घटनाओं की वजह से झारखंड की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठा है। लातेहार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयवर्धन सिंह की हत्या के बाद पार्टी से लेकर आम लोगों में बेहद नाराजगी है। बीजेपी जहां बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर झारखंड सरकार पर आक्रामक हो गई है, तो वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो उनका दावा है कि झारखंड में अपराध का आंकड़ा बीजेपी शासित बाकी राज्यों से बेहद कम है। लातेहार में रविवार शाम हुई बीजेपी नेता जयवर्धन सिंह की हत्या ने पूरे राज्य की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। घटना के विरोध में लातेहार के बरवाडी बाजार सोमवार को पूरी तरह से बंद रहा। जिस तरह बीजेपी नेता को दो बदमाशों ने सरेराह गोली मारी, उसे लेकर आम लोगों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, तो वहीं बीजेपी अपने नेता के कत्ल से आग बबूला है। निश्चित तौर पर यहाँ पुलिस की जो व्यवस्था है इसमें काफी त्रुटि है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में रघुवर जी के नेतृत्व जो सरकार चली और जिस तरह से अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए, उग्रवादियों पर नियंत्रण करने का जो उन्होंने काम किया था, आज कहीं न कहीं यह राज्य इस नेतृत्व के सामने बिल्कुल अपंगु हो गया है। हत्या की इस वारदात से बीजेपी बेहद खफा, लिहाजा बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने रांची में झारखंड के डीजीपी एमवी राव से मुलाकात कर दोषी की जल्द गिरफ्तारी और सजा की मांग की। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जिला के महामंत्री की एकदम बाजार के बीच में चौक के पास डीएसपी आवास के सामने हत्या होती है, ये अपने आप में ये घटना परिचायक है कि किस प्रकार का एक वातावरण अपने राज्य में बन गया है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर बहुत चिंतित है। इन्वेस्टिगेशन गोपनीय ढंग से किया जाता है, बहुत सारे लीड्स मिला है, उस पर पुलिस टीम काम कर रहा है, बहुत जल्द अपराधी पकड़ा जाएगा तो कौन हत्या किया है। वहीं कानून व्यवस्था के मसले पर घेरे जाने पर सत्ता पक्ष ने भी प्रतिक्रिया दी है। राज्य के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर के मुताबिक बीजेपी शासित राज्यों में अपराध का आंकड़ा झारखंड से ज्यादा बड़ा है। अपराधी हैं तो उन पर पूरे तरह से उन पर शिकंजा कसने का हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जिस दिन पदभार संभाला था उसी दिन निर्देश दिया था। लेकिन सरकार की ऐसी प्रतिक्रिया से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बीजेपी नेताओं ने एक सुर में सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि झारखंड में जंगल राज कायम हो गया है और राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इस बात का संकेत है कि इस राज्य में जंगल राज की आहट अब दिखने लगी है। बातों के मीडिया में रहने वाली सरकार है, इस सरकार से जनता मात्र 6 महीने के अंदर जनता में निराशा आ गई, हताशा आ गई। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से डिट्रीब्यूट किया गया है, पिछले 5 साल के गवर्नमेंट में आप यदि देखेंगे तो आपको याद नहीं आएगा कहीं पे जेसीबी जलाया गया, कहीं किसी से लेवी ली गई। इन अपराधियों का अविलंब सरकार या वहाँ की जिला प्रशासन संबंधित अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने का काम करे। वहीं अपनी सरकार पर हमलों से तिलमिलाई जेएमएम ने भी जवाब दिया। जेएमएम ने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए कहा कि मौत पर राजनीति करना भाजपा की पुरानी परंपरा रही है। हम झारखंडियों ने वो दिन नहीं भूला जब सीएम आवास के बाहर दिन दहाड़े गोली मार दी जाती थी और आपकी सरकार तानाशाही देखती थी, और ये जंगल राज आप हम झारखंडियों आदिवासियों के शासन का उपहास उड़ाने के लिए तो नहीं कह रहे। लातेहार में एक नेता की सरेराह हत्या कोई छोटी बात नहीं है। जाहिर है बीजेपी के लिए मामला काफी अहम है और इसे लेकर वो सोरेन सरकार को बख्शने के मूड में नहीं दिख रही है। ऐसे में सरकार को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि अपराधी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे